दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पूर्वी दिल्ली में पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के DCP आर साथी सुंदरम ने जानकारी दी कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पूर्वी दिल्ली में अभियान चालू किया गया है। इसी के तहत गीता कॉलोनी के स्टाफ हेड कांस्टेबल जयवीर और परवीन को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर रानी गार्डन के पास चेकिंग के दौरान एक युवक पुलिस को देखते ही यू टर्न लेने की कोशिश की, पर मौके पर पुलिस टीम ने तुरंत ही युवक को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान सार्थक गीता कॉलोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामलों में शामिल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।